नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन और स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ब्रांच पोस्टमास्टर यानी बीपीएम की कामों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, बीपीएम एक ब्रांच पोस्टमास्टर होता है जिसको एक ब्रांच को हैंडल करना होता है। दोस्तों, हमने जीडीएस के बारे में एक कम्प्लीट प्लेलिस्ट बनाई है। मैं आपसे वादा करता हूँ, इस प्लेलिस्ट को यदि आप देखते हो तो आपको कोई अदर चैनल पर जीडीएस के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम्प्लीट इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर प्रोवाइड करी है, तो आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज मुझे कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कहीं पे, सो वहाँ पे आप फॉलो करके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं क्विक रिप्लाई दे देता हूँ, क्योंकि क्या डायरेक्ट मैसेज आ जाता है तो वहाँ पर रिप्लाई देने में काफ़ी आसानी हो जाती है। दोस्तों, जीडीएस के बारे में मैंने एक कम्प्लीट आर्टिकल मेरे वेबसाइट पर लिखा है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वहाँ जाके आप कम्प्लीट इंफॉर्मेशन जीडीएस के बारे में ले सकते हैं। दोस्तों, बीपीएम जो है उसको आईपीबीबी यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के भी ऑपरेशन संभालने होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, उनको कुछ डिवाइसेस दिए जाते हैं, जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन दिया जाता है और एक पीओएस मशीन दी जाती है, जिसे हम दर्पण डिवाइसेस भी बोलते हैं। सो दोस्तों, देखिए यहाँ पे काम बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले तो आपको वहाँ पे दर्पण डिवाइसेस ऑन करना होता है, वहाँ से ही आपकी प्रेजेंटी वहाँ पे लगती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको आरडीज ओपन करनी होती है, उसके बाद एफडीज आपको ओपन करनी होती है। जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो सर्विसेज के जो अकाउंट्स हैं आपको ओपन करने होते हैं। साथ ही साथ इन सारों का रिकॉर्ड्स भी आपको रखना होता है। इसके अलावा आपको जो है स्टैम्प जो होते हैं उसको भी सेल करना होता है, उसका भी सारा रिकॉर्ड आपको रखना होता है। मीन्स जो ब्रांच पोस्टमास्टर होता है उसको रखना होता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, हर एक चीज़ का एक चार्ज रिपोर्ट भी बनता है, यानी कि कौन कौन सा चार्ज उनको दिया जाता है, तो उसके हिसाब से रिपोर्ट बनाते हैं। उसको मैं किसी सिंगल वीडियो में आपको बताऊँगा चार्ज रिपोर्ट क्या होता है। सो फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए, एक रिपोर्ट होता है, वहाँ पे सब कुछ लिखा होता है। सो आगे बात करते हैं हम इसमें, और बीपीओ को कौन कौन से काम करने पड़ते हैं। सो देखिए, आप नोटिफिकेशन में आए होंगे तो यहाँ पे लिखा है कि जॉब प्रोफाइल ऑफ ब्रांच पोस्टमास्टर विल इंक्लूड मैनेजिंग अफेयर्स ऑफ जीडीएस ब्रांच पोस्ट ऑफिस। सारा जो पोस्ट ऑफिस होता है उसको मैनेज करना होता है जीडीएस को। उसके बाद देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एंड इंश्योरिंग अनइंटरप्टेड काउंटर ऑपरेशन, ठीक है। जो भी काउंटर ऑपरेशन होते हैं, दिन भर में जो भी कोई पैसे भरने आएगा, कोई सेविंग बैंक में पैसे निकालने आएगा, तो सारे जो ऑपरेशंस होते हैं उनको हैंडल करने होते हैं जो ब्रांच पोस्टमास्टर होता है उनको। उसके बाद देखिए, ओके, हैंडवेल डिवाइस एंड स्मार्टफोन आपको दिया जाता है, तो उसके मदद से आपको सारे जो ऑपरेशंस है वो करने होते हैं। उसके बाद जो ब्रांच पोस्टमास्टर होता है उनको सारे जो है पोस्ट ऑफिस फैसिलिटी को मैनेज करना होता है, साथ ही साथ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, जैसे कि मैंने अभी बताया। उसके बाद हैंडल डिवाइसेस को भी आपको रखना होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जितने होते हैं उसको भी आपको हैंडल करना होता है, राइट। उसके बाद थोड़ी बहुत मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं, जैसे कि जो PLI जो होते हैं, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, उसकी भी मार्केटिंग थोड़ी बहुत करनी होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ टारगेट होता है, बट आपको थोड़ी बहुत मार्केटिंग यहाँ पे करनी होती है, राइट। सो इस चीज़ के लिए आप घबराइएगा मत, क्योंकि काफ़ी इजी होता है। जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज इसके बारे में आ जाएगा। तो उसके बाद देखिए, पेमेंट बैंक के सारे सर्विसेस और जो बिजनेस इन द विलेज और ग्राम पंचायत विद इन जस्टिशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस शुड बी रेस्ट ऑन द शोल्डर ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। तो सारे जो काम होते हैं पोस्ट ऑफिस के नॉमिनल, वो सारे का जो बर्डन होता है या फिर जो क्या बोलते हैं अथॉरिटी होती है, वो ब्रांच पोस्ट मास्टर के ऊपर होती है, राइट। कुछ भी कम ज़्यादा होता है तो सारा जो जिम्मेदारी है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर पर आती है, राइट। ओके, तो जो आप IPBB का जो काम करोगे वो जो है मिनिमम TRCA में नहीं होता है। TRCA मीन्स आपकी सैलरी होती है। सो इसका जो पैसा आपको इंसेंटिव के रूप में दिया जाता है। और जो BPM होता है उसको सारा पोस्ट ऑफिस हैंडल करना होता है, सारे मेल्स जो आते हैं उनको अच्छी तरीके से रखना होता है, उनका सारा रिकॉर्ड रखना होता है, वो सारा टाइम पे डिलीवर हुए या नहीं इसका भी रिकॉर्ड उन्हें रखना होता है, ठीक है। दोस्तों, जो भी काम जो बड़े अथॉरिटीज़ देते हैं BPM को, वो सारा काम उन्हें करना पड़ता है। दोस्तों, यदि ABPM नहीं है आपके पोस्ट ऑफिस में, तो आपको ABPM का भी चेक काम करना होता है, जैसे कि मेल डिलीवरी भी करने आपको जाना पड़ेगा। दोस्तों, साथ ही साथ जो बड़ी अथॉरिटीज़ होती है जो आपको काम सौंपेंगे, वो काम भी आपको यहाँ पे करना होता है। इस तरह से जो है BPM सारे काम हैंडल करता है पोस्ट ऑफिस में। सो उम्मीद करता हूँ आपको ब्रांच पोस्ट मास्टर के सारे काम समझ आ गए होंगे। सो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।